टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं गुंजन। आज हम आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों को समेटे। खबरों की शुरुआत खास खबरों से। प्रेमी युगल पर ग्रामीणों ने किया अत्याचार, चेहरे पर कालिख लगा जमकर की पिटाई। बहादुरपुर थाना में मामला दर्ज, जाँच शुरू। नेट जीआरएफ उत्तीर्ण छात्रों को पीआरटी से मिली छूट। मिथिला विश्वविद्यालय के विद्युत परिषद की बैठक में कुलपति ने दिया आदेश। उप मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों द्वारा पत्रकारों के साथ बदसलूकी, मारपीट का दरभंगा में भी विरोध। पत्रकारों ने काला बिल्ला के साथ निकाला मोटरसाइकिल जुलूस। कमला बलान में जलस्तर वृद्धि से कुशेश्वर स्थान पूरी प्रखंड में बाढ़ का पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। और सावन की दूसरी सोमवारी पर विभिन्न मंदिरों एवं शिवालयों में जलाभिषेक। और खबरें विस्तार से। प्रेमी युगल पर ग्रामीणों के अत्याचार का मामला सामने आया है। दोनों के काटे गए बाल, चेहरे पर कालिख लगाकर जूते की माला पहना दिया और घर के खंभे से बांधकर जमकर दोनों की पिटाई की। पुलिस के पहुंचते ही सभी शांत हो गए। प्रेमी युगल को बहादुरपुर थाना लाया गया। घटना बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खराजपुर गांव का है। इस संबंध में थाने में मामला दर्ज किया गया है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, फिलहाल जांच चल रहा है। प्रेमी युगल पर ग्रामीणों के अत्याचार का मामला सामने आया है। घटना बहादुरपुर के खराजपुर गाँव का है। एक प्रेमी युगल पर ग्रामीणों ने इस तरह से अत्याचार किया कि उसके बाल काट दिए गए, चेहरे पर कालिख लगा दी गई, जूते की माला पहना दिया गया और घर के खंभे से बांधकर जमकर दोनों की पिटाई भी की। सूचना मिलते ही बहादुरपुर थाना पुलिस दलबल के साथ वहां पहुंची और देखते ही देखते मामला शांत हो गया। दोनों प्रेमी युगल को बहादुरपुर थाना लाया गया है। इस संबंध में थाने में मामला दर्ज भी किया गया है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, फिलहाल जांच चल रहा है। आइए सुनवाते हैं पीड़िता की जुबानी। वो हमको रात में 12 बजे रात को हमको घर में जबरदस्ती गया, सारी तारीख खोल दिया हमको पटकने लगा ना। तो हम लड़का के फोन किए, हम लड़का से है उसको हम बोलते फोंकते थे ना उस लड़का के। तो वो आया रात को, वो आया रात को नहीं आए, 3 बजे आया भोर में। वो आया तो सब गाँव घर से बेचारा का था, उसको पकड़ के लड़का से हमको मार पीट के दोनों का उनका उनका बांध हाथ गोर बांध के गैस छिल दिया। हमारा पिता सब उसको बेसी मार मारा, हमको मारा सब बात भैया हम इसको बुलाए। क्या नाम है सर? नाम और इसी संबंध में पीड़िता की सास क्या कहती है, आइए सुनवाते हैं आपको। क्या गुआ समाज तो नहीं मानता है, उन टोले हमारा गुआ समाज पकड़ता है, मारता है, यो मारता है, गाछी बिरछी में जाता है तो ओकर पप्पो मारता है, गाड़ी देता है। ये आपकी पुतोह के साथ हुआ? सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। विश्वविद्यालय के विद्युत परिषद की बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। मिथिला विश्वविद्यालय के विद्युत परिषद की बैठक कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। जेआरएफ उत्तीर्ण छात्र पीआरटी से छूट दी गई है। मिल्लत शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय में एमएड की पढ़ाई प्रारंभ करने की भी स्वीकृति दी गई। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में विद्युत परिषद की हुई बैठक में लिया गया यह निर्णय। बैठक में प्रति कुलपति प्रोफेसर जय गोपाल, कुल सचिव डॉक्टर मुस्तफा कमाल अंसारी, डॉक्टर मुश्ताक अहमद के साथ अन्य सदस्य भी मौजूद थे। संतोष झा, बीटीएन न्यूज। संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से विशिष्ट व्याख्यान एवं लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया दरबार हॉल में।
संस्कृत विश्वविद्यालय गुजरात के कुलपति डॉक्टर अर्कनाथ चौधरी मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे। संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से विशिष्ट व्याख्यान एवं लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्कृत विश्वविद्यालय गुजरात के कुलपति एवं व्याकरण के विद्वान डॉक्टर अर्कनाथ चौधरी मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि संस्कृत सिर्फ संस्कृत की ही भाषा नहीं बल्कि विज्ञान की भी भाषा है। हाल के दिनों में कई कारणों से छात्रों की संख्या इसमें घटी है, परंतु इस तर्क में कोई दम नहीं कि संस्कृत पढ़ने वालों को रोजगार की कमी रहती है। इस वर्ष भी यूपीएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत के छात्रों ने बाजी मारी है, जो हर्ष का विषय है और इसके विकास की ओर आशा भी जगाती है। इसके पूर्व राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित न्याय दर्शन के प्रकांड विद्वान व तकरीबन 7 दर्जन पुस्तकों के चर्चित लेखक डॉक्टर किशोर नाथ झा द्वारा लिखित व डॉक्टर नंद किशोर चौधरी संपादन में प्रकाशित पुस्तक न्याय शास्त्र में आचार्य उदयन का योगदान का लोकार्पण किया गया। मौके पर लेखक डॉक्टर झा ने कहा कि हिंदी भाषी छात्रों के लिए उदयनाचार्य के ग्रंथों की जानकारी भाषाई समस्याओं के कारण कठिन रही है, लेकिन उनके सिद्धांतों को जानना सभी के लिए जरूरी है। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर विदेश्वर झा ने किया एवं स्वागत भाषण डीन डॉक्टर शिवाकांत झा ने किया। मंगलाचरण डॉक्टर विनय कुमार मिश्र और डॉक्टर दयानाथ झा ने प्रस्तुत किए। मंच संचालन डॉक्टर शशिनाथ झा ने किया। वहीं कुलगी शिक्षा शास्त्र की 2 छात्राएं माधवी व अरुंधति ने गाया। संतोष झा बीटी मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों द्वारा पत्रकारों के साथ दंडात्मक कार्रवाई और मारपीट करने के विरोध में दरभंगा में पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर मोटरसाइकिल विरोध मार्च निकाला। कर्पूरी चौक से जिलाधिकारी को स्मारक पत्र सौंपा। उप मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों द्वारा पत्रकारों के साथ दंडात्मक कार्रवाई एवं मारपीट करने के विरोध में दरभंगा में पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर मोटरसाइकिल विरोध मार्च कर्पूरी चौक से होते हुए विभिन्न सड़कों से गुजरते हुए समाहरणालय पहुंचा, जहां जिलाधिकारी को अपनी मांग से संबंधित स्मार पत्र सौंपा गया। पत्रकारों पर अत्याचार हो रही है, उसके विरोध में हम लोग मोटरसाइकिल जुलूस काला बिल्ला लगाकर निकाल रहे हैं और यहां से जाने के बाद हम लोग समाहरणालय जाएंगे, वहां राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति के नाम से जिला पदाधिकारी को एक ज्ञापन देंगे जिसमें हम लोगों ने 5 मांगों को प्रमुखता से लिया है, जिसमें रखे हैं कि पटना में जो मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मी द्वारा पत्रकारों पर हमला हुई है उसके खिलाफ, दूसरा में पत्रकार की सुरक्षा की गारंटी, तीसरा में पत्रकार के कार्यों में पदाधिकारी से लेकर अन्य राजनीतिक दल के लोग जो व्यवधान पर्दा करते हैं उस पर सख्त कार्रवाई, चौथा में रखे हैं कि पत्रकार जो अपने घटना या पीड़ित में जो मर जाते हैं उसको 20 लाख रुपए की मुआवजा उसके आश्रित परिजनों को और नौकरी की मांग किए हैं। इन मुद्दाओं को लेकर आज कर्पूरी चौक से जो है तो समाहरणालय तक हम लोगों का मोटरसाइकिल जुलूस जाएगी, जिसमें हम लोगों को ये विभिन्न मांगों को लेकर हम लोग राष्ट्रपति नाम का एक जिला पदाधिकारी को ज्ञापन देंगे। कर्पूरी चौक से लेकर समाहरणालय तक मोटरसाइकिल जुलूस व विरोध जुलूस निकाल रहे हैं। मेन इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग इस जुलूस से ये साबित करना चाहते हैं कि पटना में मीडिया कर्मी की ही नहीं दरभंगा के मीडिया कर्मी भी से आगे है, ये हम जताना चाह रहे हैं और वहाँ हम लोग अपनी मांग पत्र को डीएम के माध्यम से दे करके राष्ट्रपति तक वो ज्ञापन सौंप। इकाई में आज जो है वो प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया है, उसको हम लोग उचित कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं।
किस तरह से ले रहे हैं? निंदा किया है और एक उच्च स्तरीय जाँच का भी आदेश हुआ है, जैसा हम लोगों को पता चला विभिन्न माध्यमों से, तो उसको जाँच रिपोर्ट आने दिया जाए। कहीं भी अगर कोई असुरक्षा की भावना या इस तरह की कोई समस्या आती है तो उसको हम लोगों के संज्ञान में लाया जाए, उसके लिए हम लोग बिल्कुल अलर्ट हैं, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित कराएंगे हम लोग किसी भी कीमत पर। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मीडिया कर्मियों के सुरक्षा का आश्वासन दिया है। सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। पूरी प्रखंड क्षेत्र के कमला बलान में जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, जल जीवन अस्त व्यस्त। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड क्षेत्र के कमला बलान में जलस्तर की वृद्धि से कुशेश्वर स्थान के निचले इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय बाजार के उच्च विद्यालय मैदान, मखनाही टोला और मखनाही में बने नव निर्मित सरकारी पंचायत भवन बाढ़ के पानी से पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रखंड मुख्यालय से करीब है उत्तरी पंचायत का मखनाही टोल, पोस्ट ऑफिस के पास से मखनाही की दूरी 100 से 150 फीट है। इसके बावजूद यहां ना तो कोई सड़क है ना ही बिजली। प्रत्येक वर्ष बाढ़ की मार यहां के लोग झेलते हैं। यहां के लोगों को आज तक कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिल पाया है। लोगों को सरकारी नाव तक भी मुहैया नहीं कराया गया। यहाँ के लोग अपने निजी गांव के नाव के सहारे ही सारा कार्य करते हैं। जिन लोगों के पास अपनी नाव नहीं है वह दूसरे नाव के सहारे जनजीवन जीने के लिए मजबूर हैं। हालांकि इस संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि नाव की व्यवस्था की गई है और जीवन रक्षक दवाइयों का भी पूरा इंतजाम किया जा चुका है, पॉलीथीन की व्यवस्था की गई है और लगातार तटबंधों पर नजर बनाए रखा जा रहा है। खान और कीरतपुर और घनश्यामपुर तीन हमारे प्रखंड जिले के ऐसे हैं जो जिनके कुछ गांव जो हैं वो नदियों के तटबंध के बीच में बसे हुए हैं, तो नदियों का जब जल स्तर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली वो घिर जाते हैं, तो वह इसी स्थिति है। उसके लिए हम लोग नाव की व्यवस्था किए हुए हैं, सरकारी नाव, निजी नाव, ये सब इसका परिचालन हो रहा है और CO, BDO और वहाँ के SDO हैं वो भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ से कर रहे हैं, उस पर नज़र रखे हुए हैं, जो उसमें आवश्यक होगा हम लोग करेंगे उसको। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। विश्वविद्यालय के बीर दूरस्थ माध्यम द्वितीय वर्ष 2015-17 कार्यशाला का आयोजन किया गया CM लॉ कॉलेज। मिथिला विश्वविद्यालय के बीएड दूरस्थ माध्यम द्वितीय वर्ष 2015-17 कार्यशाला का आयोजन किया गया CM लॉ कॉलेज में। हमारा उद्देश्य भी यही है कि आपके फर्स्ट ईयर में जो भी परेशानी हुई उसको हम सेकेंड ईयर में निराकरण, बिना समय गवाए हम स्टार्ट कर दे अपने कार्ड को, अंदर आने की अनुमति I am stand here to give you a presentation regarding my SBA. ये workshop के जो first year में ही SBA में हम लोगों को दे दिया गया था उस पर चर्चा करनी है, लिखकर लाए हैं, वो सबको दिखाया जाएगा और जो है उसको किया जाएगा। तो पहला क्रियाकलाप है कक्षा में एक समाजीय शिक्षण का संचालन करना। तो समाजितीय परीक्षण का जो संचालन करें समाजमितीय होगा। ODL मोड में सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं 15-17 बैच के, उनकी यह द्वितीय मैंडेटरी कार्यशाला है जो 6 दिनों तक चलेगी CM लॉ कॉलेज पर। इसमें विद्यार्थी छात्र अध्यापक हैं, ये सारे स्कूल के टीचर हैं। इन टीचरों ने फर्स्ट ईयर में
बहुत सारी चीज़ों को सीखा था और फर्स्ट ईयर में सीखी हुई चीज़ों को इन्होंने अपने विद्यालय में प्रयोग किया। अब इनका प्रयोग वहाँ कैसे रहा, किस तरह की कठिनाई हुई, क्या हुआ नहीं हुआ, उन सारी बातों की समीक्षा हम लोग करेंगे। प्लस विद्यालय लेवल पर इनको जो समस्याएं आई, उस समस्याओं के निराकरण के लिए क्या सब प्रयास आगे किए जाएं, हमारे रिसोर्स पर्सन इनको बताएं। गाँव में कार्यशाला संचालित की जा रही है और विश्वविद्यालय के और शिक्षक प्रशिक्षण। सरफराज आलम, BTN न्यूज। बेसिक चीज जो है ना, उन्हें हमें समझना होता है, उसके बाद आपका जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटी है वो रिपोर्ट सबको लाए होंगे, लाए है ना, ठीक है, फिर हम लोग उसको जमा करना है, उससे हम पूछेंगे और बताएंगे। बताइए, हमरा समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री नागमणि सोमवार को दरभंगा पहुंचे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से उनका स्वागत किया गया प्रदेश सचिव राकेश कुमार वर्मा के। समरस समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री नागमणि सोमवार को दरभंगा पहुंचे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से उनका स्वागत किया गया, सम्मान किया गया प्रदेश सचिव राकेश कुमार वर्मा के आवास पर। और इनका 29 जुलाई को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में समरस समाज पार्टी का विलय है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में। उसी भ्रमण के क्रम में मधुबनी जाने के दरमियान दरभंगा में भी इनका रुकने का हुआ और हम सभी दरभंगा निवासी पार्टी के कार्यकर्ता समाज के लोग इनका जोरदार ढंग से स्वागत किए हैं। और इस मेमोरियल हॉल में हमारी पार्टी समरस समाज पार्टी का विलय RLSP में करूंगा और उसी के तैयारी के लिए बिहार के सभी जिलाओं का कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम के तहत आज हम लोग दरभंगा आए हैं और राकेश कुमार वर्मा जी के घर पर ही आज स्वागत समारोह हुआ है और इसके बाद अभी हम लोग झंझारपुर मधुबनी का। वीरेंद्र कुमार, बीटी। रहा मौसम का मिजाज, बारिश के बाद तेज धूप, बढ़ रही गर्मी का सितम। बदल रहा मौसम का मिजाज, बारिश के बाद तेज धूप से बढ़ रही गर्मी का सितम। धूप से बचने के लिए लोग सिर्फ काम पड़ने पर घरों से निकलते हैं, अधिकांश सड़कें सूनी नजर आती है दोपहर में। सरफराज आलम, BTN न्यूज। कॉलेज में इंटरमीडिएट के नामांकन चल रहा है, था इसी के मद्देनजर छात्र छात्राओं के मदद हेतु मे आई हेल्प यू अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से चलाया जा रहा है। MLSN कॉलेज में इंटरमीडिएट में नामांकन चल रहा है और इसी के मद्देनजर छात्र छात्राओं के हेल्प के लिए मे आई हेल्प यू AVP की ओर से चलाया जा रहा। AVP की तरफ से मैं हेल्प यू का काउंटर है, ये 7 तारीख से इस कॉलेज में शुरू किया गया है, ये उन छात्र छात्राओं के लिए शुरू किया गया है जो अभी नए नए फॉर्म भरने के लिए आए हैं
और हम सब मिलकर उन सभी सबों का मदद करना कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे कलम, मान लो किसी के पास कलम नहीं है, किसी के पास फोन नहीं है, तो वो सब मदद कर रहे हैं। हम किसी को मान लो फॉर्म में कुछ गलती हो गया तो वो भरने के लिए हम उनसे मदद कर रहे, उनको मदद कर रहे हैं। और अगर उन्हें कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो हम उन्हें जानकारी उन्हें दे रहे हैं। और ये सरफराज आलम, BTN। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से MLSM कॉलेज में सदस्यता अभियान चलाया। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की ओर से सदस्यता अभियान चलाया गया MLSM कॉलेज में। हम लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के ओर से सदस्यता अभियान कैंपेन MLSM कॉलेज में लगाए हैं। हमारा उद्देश्य है छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाएं, और जो छात्रों का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, रोजगार का सवाल है, कॉलेज में जब छात्र आ रहे हैं तो हम सबसे पहले उनका स्वागत कर रहे हैं नए विद्यार्थियों का, और उनसे अपील कर रहे हैं सदस्यता देने से पहले कि आप यदि नामांकन MLSM कॉलेज में ले रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छात्र क्लास करने के लिए आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा दिन क्लास करें, ताकि आपको समझ में आएगा कि आपके कॉलेज में समस्या क्या सब है, आपके यहाँ लाइब्रेरी है कि नहीं। आपके यहाँ सरफराज आलम, BTN न्यूज। सावन की दूसरी सोमवारी पर विभिन्न मंदिरों एवं शिवालयों में श्रद्धालुओं ने किए शिवलिंग पर जलाभिषेक। सरफराज आलम, BTN न्यूज। इससे पूर्व एक बार फिर खास खबरों पर। प्रेमी युगल पर ग्रामीणों ने किया अत्याचार, चेहरे पर कालिख लगा जमकर की पिटाई, बहादुरपुर थाना में मामला दर्ज, जांच शुरू।
नेट जीआरएफ उत्तीर्ण छात्रों को पीआरटी से मिली छूट। मिथिला विश्वविद्यालय के विद्युत परिषद की बैठक में कुलपति ने दिया आदेश। उप मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों द्वारा पत्रकारों के साथ बदसलूकी और मारपीट का दरभंगा में भी विरोध। पत्रकारों ने काला बिल्ला के साथ निकाला मोटरसाइकिल जुलूस। कमला बलान में जलस्तर वृद्धि से कुशेश्वर स्थान पूरी प्रखंड में बाढ़ का पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। और सावन की दूसरी सोमवारी पर विभिन्न मंदिरों एवं शिवालयों में जलाभिषेक। के समाचार दिला ने आपसे इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास और इलाके की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।